सुबह के 4:40 अभी हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। अभी अक्षत का सुबह वाला अर्घ का समय है और पारण, हाँ तो ये मतलब लास्ट वाला अर्घ है आज। तो जगह जगह से आवाज़ भी आ रहा है, हालांकि ये वाला छठ तो बहुत लोग नहीं करते हैं, तो दूर दूर से थोड़ा थोड़ा गाने का आवाज़ आ रहा है, गीत का आवाज़ आ रहा है। छठ ना एक अलग ही फेस्टिवल होता है, बहुत मतलब खुशी का आनंद का फेस्टिवल, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबे समय तक 3-4 दिन का चलता है, 3-4 दिन तो चलता ही है, बाकी उसके पहले कितना पहले से आदमी तैयारी करते रहता है। पकड़ के फिर भैया सो रहा है, बड़ा उठाने में मुँह लगता है सुबह सुबह, लेकिन क्या होगा, नहीं उठाया जाएगा तो स्कूल ही छूट जाएगा। बेटा 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 5:30 हो रहा है बेटा, उठ जा बाबू, बेटा और ढक के सो गए, और मुंह ढक के सो गया। 10 मिनट में अंकल आ जाएंगे, अब बजाते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे। तुम गजब लड़का है, अरे ईशान का रोज पेट में दर्द होने लगा है आजकल, तो इसीलिए आज सुबह सुबह ईशान को बोले कि एक दही और रोटी खा लो, मैंने एक रोटी और दही खा लो, पेट ठंडा रहेगा और दर्द भी नहीं होगा। 10 मिनट में आने वाले हैं ड्राइवर, और ईशान अभी तक नहाया भी नहीं है, कोई काम ही ना खुशी से नहीं करता है, सुबह उठेगा तो हर बात में हूँ 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 हूँ। बेचारी माँ इतना मेहनत से खिलाती है, एक एक बाइट नहीं तो खाना ही नहीं खाए। चलो चलो नहला रहा है, ईशान कर रहा है, ईशान अभी स्कूल जाए, मेरे पेट में मत करो ईशान, ईशान देखो तुम्हारा सारा सॉफ्ट टॉय हम धो दिए हैं, देखो सारा सॉफ्ट टॉय धो दिए हैं। ईशान अभी स्कूल से आ रहा है, और ये किसी का बर्थडे था तो दिया है इसको चॉकलेट। पानी पानी है, कुछ कहना ही लड़का से बेकार है, भीग जाओगे भीग जाओगे, नहाने वाले हैं मार देंगे, नहाने वाले हैं इसे पीट देंगे हम, सोच लेना तुम। जोकर एकदम जोकर हो गया है, जोकर इधर कछुआ है, कछुआ का आंख था ईशान, नहीं नहाना है, नहीं नहाना है। अच्छा मांगने वाला है, ढोल बजा रहा है, नहीं नहाना है। तो ईशान के क्लासमेट क्लास के किसी बच्चे का बर्थडे था ईशान, नया नया एडमिशन हुआ था तो वो चॉकलेट तो कल ही पहन के नहीं जाना है, कल ही पहन के नहीं जाना है। एकदम नहीं गया थी, नहाओगे ईशान थोड़ा सा रुक जाओ, हाथ पैर धो लो और उसके नहीं नहाना है। सबका देह जैसा नहीं रहता है, तुम्हारा फिर तुम्हारा बहुत जल्दी तबीयत खराब होता है, हम बहुत डरते हैं हम। तोड़ दो फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो, हाफ पैंट इस लड़का को खोले। ईशान स्कूल से आता है ना तो एकदम लगता है ना कि और ऐसे ईशान पीट देंगे, ज्यादा काबिल मत बनो। भैया तुम्हारे ही चलते आए हैं कि बाबू आ गया, भाई मेरा आ गया शरारती, रात में हम सो गए थे माँ, आई प्रेम को खोद रहा था उधर से हंस रहा था, तब फिर हम उधर घूम के डांट के इसको कि सोना है तो सोचा है। अच्छा आप सो गए थे, खोद रहा था हंस रहा था, हम बोले ना कि अब तुमको सोना है तो सो, नहीं सोना है ना तो जगे रहो। तो वो बच्चा क्या चॉकलेट दिया मेलोडी, पूरा जूठा करके पानी पीता है। और आज ईशान का रूम हम क्लीन किए तो ईशान बहुत खुश था, लेकिन वो मेरे से बोला क्या, कल ही बोल रहा था कि मम्मी आप ये सब क्यों कर रही हैं, इतना साफ सफाई वगैरह मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये सब काम मत कीजिए, आप आराम किया कीजिए। अरे ये सच में मतलब सुन के लगता है कि हौसला मिलता है जीने का, नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है।
पता चलता है जब मुसीबत सिर पे आता है। खैर वक्त कैसा भी हो आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अगर अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा वक्त भी नहीं रहता है, बीत ही जाता है। इसी उम्मीद पे पूरा दुनिया चल रहा है, हम भी इसी उम्मीद पे जी रहे हैं, लेकिन हर रोज एक नया झटका मिलते रहता है जिंदगी में। खैर अब तो आदत ही हो गया है। और गए थे आज मार्केट इसमें नंबर दिख रहा है, ये मेंटल हेल्पलाइन नंबर था ईशान के बाजूस, ये टैब जो मिला है वो ठीक से चल नहीं रहा था तो कॉल किए थे। और गए थे शॉपिंग करने के लिए, ईशान कल बोला है सैटरडे को तो मैं पास्ता लेकर जाऊंगा, तो उसके लिए पास्ता वगैरह और भी कुछ कुछ सामान था तो लेकर आए थे। ये सामान लिए थे तो थोड़ा भारी हो गया था, तो डिलीवरी बोले थे कि होम डिलीवरी कर देने के लिए, तो वही आया था लेकर तो चले गए थे। ये ईशान आया है, क्या क्या ये क्या किया है ईशान ने, पैर में ये सब क्या किए हो तुम, ये सब मैंने पैर में क्या हो रहा है, पैर का श्रृंगार हो रहा है बेटा, श्रृंगार थोड़ी ना हो रहा, जहाँ पर खुजलियों को वहीं पर लगा रहे हैं। एक खुजली का ये खुजली का दवाई है बेटा, ये तो हम पहली बार सुने कि खुजली का दवाई है ये सब चिपकाना खुजली का दवाई है। बाहर है मेरा बच्चा, 2 घंटे तक चिपकाओ ना, फिर वापस निकालो तो ठीक रहेगा। अच्छा 2 घंटा चिपका के निकालने पर खुजली ठीक हो जाता है, देखिए जरा पैर तुम्हारा ABCD बना हुआ है। इस लड़का को इतना गर्मी लगता है, इतना पसीना आता है, पसीने पसीने हो गया है मेरा बच्चा। जाके पढ़ाई करो, पढ़ाई करो जाके। अब ईशान आप लोग से कल मिलेगा, जा रहा है पढ़ाई करने। ईशान टाटा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय। और ये देखिए पैर का श्रृंगार, जिसको भी खुजली होगा वैसे यही तरीका आजमाइएगा तो पैर का खुजली ठीक हो जाएगा। निशान गया पढ़ने, नहीं पढ़ते हैं। हाँ तो यहीं पे तो जाके पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। दिखा तो मत क्या क्या आया है,